पत्रकार पहुंचा न्यायालय, मामले का वीडियो जमकर हो रहा वायरल। मामला मैहर की न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है, जहां एक पत्रकार रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा, लेकिन समय पर अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने के कारण जनता को परेशान होता देख अधिकारियों की क्लास लगा दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। अभी हम लोग मैहर में हैं और मैहर में आए हुए हैं और देख सकते हैं तहसीलदार जी का कार्यालय है और यहाँ इनके कार्यालय। आप क्या क्या नाम है? बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तहसीलदार साहब तो आप लोग बताओ। हमारे साथ ये लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। ये देख सकते हो आप, ये मैहर का न्यायालय है और न्यायालय में अधिकारी ही नहीं है। ऐसे एक जगह नहीं है, ऐसे लगातार ऐसे तमाम जो ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। आज सोमवार का दिन है, तहसीलदार भी नहीं है, बाबू भी नहीं, रमेश क्या बाबू नहीं है। कौन नहीं है? रमेश बाबू। अच्छा, तहसीलदार साहब कोई नहीं, एसडीएम साहब कोई नहीं है। अच्छा, मैहर में कोई अधिकारी ही नहीं है। आप लोग क्यों आए हुए हैं? ये हमारे आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है जी। तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब से मिलने आया था कि एक लटा गांव का केस है, सम्मू कोल जी जी, उनके घर में आग लग गई थी 3 अप्रैल को जी, ठीक है ना। और अप्रैल के बाद मई जून भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अप्रैल के शुरुआती 3 तारीख को जी, मतलब अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना और जून जी, 26 जून हो गई जी, इन 2 महीने 3 महीनों में अभी तक गरीब आदमी को मुआवजे के नाम पर 1 रुपए की राशि प्राप्त नहीं हुई। अधिकारी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने आया था और अभी आपके 12:45 हो गए हैं, 12:44 हो गए हैं और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बदेरा वृत्त, सुंदरा वृत्त सारे लोग गायब हैं। हमने जानकारी भी ली कि हो सकता है कि सर चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई मीटिंग वगैरह हो यहाँ के अधिकारी नीचे तबके के जो। अच्छा, जो एक ज्ञापन दे रहे हैं आप, कौन है? आप हैं शंभू कोल? आइए सामने आइए। आप घर में आग लग गई थी? हाँ। तो आप ये बताइए, आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इससे आपको क्या हल निकलेगा कि क्या, मतलब क्या करना चाहते हैं? हमारा ये है कि ये गरीब आदमी है, इसकी सकल और सूरत दोनों पे जाइए, ये किस कहीं से भी रहित ज्यादा नहीं लगते हैं बेचारे। एक तो ये आदिवासी वर्ग से आते हैं, किसी तरह इन लोगों का घर गाँव गल्ला चलता है, उसमें भी अगर आपदा किसी प्रकार की हो जाए तो समय पे अगर टाइम पे मुआवजा मिल जाए तो ये सही हो जाती है। कोई विधायक आता है, कोई सांसद आता है, कोई मंत्री आता है तो रातों रात यहाँ चीजें तैयार हो जाती है, लग के खड़ी हो जाती है। पर ऐसे लोग जो है इस मध्य प्रदेश सरकार में, ऐसे लोग 3-3 महीने भटक रहे हैं और उनका निराकरण नहीं हुआ है। तो अब अधिकारी नहीं तो आप किसको ज्ञापन सौंपेंगे? देखते हैं, फोन में बात करते हैं क्या है कंडीशन कहाँ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज जन आवाज पूरे प्रदेश में फैलाने का प्रयास करेगा और आपकी मांगों को पूरी हो ऐसे प्रशासन से भी उम्मीद करेगा और प्रशासन से भी जाके समझेगा कि क्यों उनकी मांगे पूरी नहीं हुई अभी तक। टाइमिंग इनकी क्या रहती है? 11 बजे तो सरकारी नोटिस, निश्चित तौर पर 11 बजे का ऑफिस रहता है। आप लोग देख सकते हैं, ये मैहर का अधिकारी वर्ग का ऑफिस है और यहाँ कोई अधिकारी आए हुए नहीं है। यहाँ कोई ज्ञापन लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं है। आप सब चीजें देख सकते हैं। आज सोमवार है, ऐसा भी नहीं कोई अवकाशीय दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तहसीलदार जी का ऑफिस है, मुख्य तहसीलदार जी का ऑफिस। आप सब चीज़ें हाँ बना लिया, देख लिया बना लिया।